आखिरकार वो हो ही गया जिसके कयास पिछले दिनों लगाए जा रहे थे। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई और सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अब बिहार में जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे और माना जा रहा है कि आज ही नई सरकार का गठन हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पटना में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के नए पोस्टर्स लग गए। इन पोस्टर्स पर लिखा गया कि नीतीश सबके हैं, कोटि कोटि बधाई। ये पोस्टर्स शहर के कई कोनों में लगाए गए हैं, यानी ऐसा माना जा सकता है कि नीतीश के इस्तीफा देने की खबर पहले से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को थी। तभी तो नीतीश के इस्तीफा देते ही पूरा पटना इन पोस्टर्स से पाट दिया गया। बैनर पोस्टर तैयार होने में वक्त लगता है, लेकिन जिस तरह ये पोस्टर्स लगाए गए हैं उससे ये जाहिर होता है कि ये पोस्टर्स पहले से बना लिए गए थे। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार का कहना था कि पहले गठबंधन को छोड़कर नया गठबंधन बनाया था, लेकिन स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग काम ही नहीं कर रहे थे, तो लोगों की राय मानकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले शनिवार की शाम को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के आवास के बाहर पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें जीतन राम मांझी और संतोष मांझी की तस्वीर के साथ लिखा गया था कि बिहार में बाहर है, बिना मांझी सब बेकार है। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना हमेशा ही मुश्किल रहा है। ऐसे में पुरानी सरकार गिरने और नई सरकार बनने की कवायद के बीच कुछ और ऐसे पोस्टर्स सामने आ जाएं तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए।